तो हेलो गाइस, के हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं यहाँ पे फोर्जा होराइजन 5। और गाइस अगर आप लोगों ने पिछली लाइव स्ट्रीम देखी होगी तब आप लोगों ने वहाँ पे देखा था कि मैं यहाँ पे भाई बान हाउस को फाइंड कर रहा था। और बान हाउस को फाइंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बान हाउस से भाई लेजेंडरी कार मिलती है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। और अगर मैं चाहूँ तो उन कार को अपने यूज़ के लिए भी रख सकता हूँ। अब मेरे को काफ़ी सारे बान मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लेते उस लाइव स्ट्रीम में, जैसे कि एक बान यहाँ पे है, ये भी मैंने फाउंड कर लिया है और मतलब बहुत सारे कर लिए। अभी फ़िलहाल अपने पास में एक और दो एंड तीन, तो गाइस अपने पास में टोटल तीन बान हाउस बाकी रह गए हैं। तो मैंने सोचा यार चलो इनको भी फाइंड कर लेते हैं, एंड इनसे अगर हमें बढ़िया बढ़िया कार्स मिलेंगी तो हम जो है यहाँ पे मतलब उनको क्या बोलते हैं बेच के बढ़िया पैसे अर्न कर लेंगे। तो अभी मेरे को फटाफट से अपने सबसे क्लोजेस्ट वाले बाउन पे बान बाउन में क्यों बोल रहा हूँ यार, मेरे को बान हाउस पे जाना चाहिए। एंड बाय द वे गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों का इस सवाल में क्वेश्चन होगा कि अनमोल भाई आप जो है यहाँ पे फेस कैम क्यों नहीं कर रहे हो, तो गाइस उसका रीज़न बस एक ही है कि यार मेरा जो कैमरा है ना वो यार एक्चुअल में ख़राब हो चुका है। एंड उसको मैंने ठीक करने का कोशिश करा था पर वो शायद से मेरे को लग रहा है भाई वो मतलब एकदम कुर्बान हो चुका है, ठीक है। तो अब आई थिंक से नया कैमरा मेरे को बाय करना पड़ेगा और नया कैमरा अभी यार सही बताऊँ अपने बजट के बाहर जा रहा है। बट मैं जल्दी ट्राई करूँगा आप लोगों को दोबारा से जो है फेस कैम के साथ वीडियोस दिखाने का। एंड भगाते हैं यार अभी फिलहाल के लिए अपनी भाई जेस्को को। वैसे यार मेरे को ना ऐसे काम के लिए ना भाई जेस्को नहीं लानी चाहिए, मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा व्हीकल लाना चाहिए जो कि मतलब ऑफ रोड वगैरह में चले, बिकॉज बान हाउस हमें ऐसा भाई रोड पे नहीं मिलता, हमें ना अंदर जाके मतलब उसको फाइंड करना पड़ता है तब जाके वो मिलता है। और वहाँ पर यार अपनी जो जेस्को है ना यार वो शायद भाई चल नहीं पाएगी, मतलब ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है यार ये वाली कार। एंड मैंने इसके जो टायर है ना वो भी जो है यहाँ पे थोड़े से चेंज कर दिए, तो अब तो ऑफ रोड में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। बट फिर भी यार हम ठहरे हैवी ड्राइवर, हम इसी से भाई जो है बान फाउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा यार बान कहाँ पे है भाई। लाइव स्ट्रीम में तो धड़ाधड़ मिल रहे थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसको फाइंड करने में। एंड होप है यार कि ये वाला बान भी हमें जल्द ही मिल जाए। बस मेरे को ना यहाँ पे चारों तरफ भाई अपनी नज़रें एकदम चील के निगाहें रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे बान है ओके, शायद यहाँ पे बान तो नहीं है, थोड़े से घर है तो यार अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बस ऐसी किसी गलियों में भाई होगा, जंगल के बीच भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी गाइस हो सकता है। एक काम करते हैं इस वाली डायरेक्शन में चल के देखते हैं, शायद यहाँ पे हो। आई थिंक से इधर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर रिवर है यार, और भाई काफ़ी प्यारा नज़ारा है उधर, देखो भाई पास में झरना सा बह रहा है भाई, देख के एकदम मज़ा सा आ रहा है। एंड ये जो ब्लू मतलब जो पर्पल एरिया है ना, पर्पल या ब्लू हम इसको बोल सकते हैं, इसी एरिया के अंदर में अपना बान है, तो फाइंड करना पड़ेगा यार मेरे को। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं इसको ना गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना राइट साइड में उसको ढूंढना चाहिए। एंड मेरे को चारों तरफ भाई अपनी नज़र घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। और भाई जेस्को को हम भाई पानी के अंदर चला रहे हैं भाई, देख रहे हो भाई, भाई अपनी जेस्को पाओ। वेट अ सेकंड, क्या हमें बान मिल चुका है गाइस? नहीं यार ये बान नहीं है, ये तो कुछ और ही है भाई। गाइस लग रहा है आज ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस बान को फाउंड करने के लिए, वो पे यार जल्दी मिल जाए भाई। अरे यार एक तो गाड़ी ना मेरे को ना दूसरी लानी चाहिए थी भाई, जेस्को को मैं भाई तो ऑफ रोड में चला रहा हूँ जंगलों के बीच। बट कोई नहीं, क्या वो सामने बान है यार? नहीं आई थिंक से मैं वहाँ पर जा चुका हूँ ना, हाँ मैं शायद वहाँ पे जा चुका हूँ। अरे यार भाई कितनी देर में मिलेगा मेरे को बान? हालांकि मैं यहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ गाइस, बट मेरे को लगता नहीं है यार इतने घने जंगलों में अपना ड्रोन बढ़िया से उड़ पाएगा, तो इसीलिए हम इसको भाई चल फिर के ही ऐसे ढूंढने वाले हैं। बस मेरे को ना ये रास्ते जो जा रहे हैं ना, जो रास्ते उनको बस फॉलो करते रहना है, कुछ कुछ रास्ते जो है मैप पे दिखाई भी नहीं दे रहे ना, तो वहाँ पे भी होने के ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। क्या यहाँ पे कोई बान है? आई थिंक से गाइस पता नहीं भाई कहाँ मिलेगा भाई, मेरे को तो लग रहा है बहुत मुश्किल है ढूंढना है इधर की तरफ में। एक काम करते हैं पास में जो रास्ता जा रहा है ना इधर चल के देख लेते हैं, क्या पता यार यहाँ पे मिल जाए। लेट्स गो फाइंड करते हैं यार भाई, मिल जाए यार प्लीज़। ओके गाइस इधर तो नहीं है भाई, लग रहा है आज का दिन अपने लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब आज एकदम होता है ना राइट टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी ना भाई तो एकदम फटाफट से यार बान मिल जा रहे थे, बट अभी पता नहीं क्या हो गया भाई बान मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मैं घूम करके शायद उसी एरिया में घूम रहा हूँ, मैं उसी जगह पर घूमने जा रहा हूँ ये जगह पर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ भाई,
तीसरी या चौथी बार आ चुका हूँ। ओके यार गाइस यहाँ पे तो शायद नहीं यार, इधर तो कोई भी बान मेरे को नज़र नहीं आ रहा है भाई, दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने ना इधर का एरिया तो देख लिया, इधर वाला एरिया ना एक बार और चल के देखते हैं, शायद यार इधर हमें जो है अपना पान हाउस मिल जाए, उसका ऐसा लगता है। ओ भाई जैस को पानी में भी बढ़िया चलती है यार, गाड़ी के अंदर पावर बहुत खतरनाक है इसके अंदर। ओके शायद इधर इधर कहीं हमें मिल सकता है गाइस पान, आई थिंक से मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, एक बार इधर चल के देख लेते हैं। इधर यार उसको मेरे को नज़र आ रहा है। ओके हम तो ये मेन रोड पे आ चुके, तो मेन रोड पे तो यार नहीं होगा, यहाँ से मेरे को फाइंड करना चाहिए क्या। वैसे ऊंची जगह से ना काफ़ी आराम से दिख सकता है यार, बट भाई दिख ही नहीं रहा है यार, इतनी देर हो गई यार ढूंढते ढूंढते। पता नहीं भाई कहाँ छुपा के रखा है यार बांध, बांध भी ऐसे छुपा के रखने की चीज़ होती है यार, आँखों के सामने रख दो भाई इंसान को दिख जाए भाई। गाइस भाई अपन को पान नहीं मिल रहा है, तो अभी मेरे को लग रहा है ना ड्रोन यार निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चल चल के तो मिलने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। एंड एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पे पार्क करते हैं एंड इधर चलते हैं फटाफट से और ड्रोन मोड में आ जाते हैं गाइस। तो गाइस अपना ड्रोन यहाँ पे उड़ने लगा है और अभी मेरे को ना फाइंड करना पड़ेगा। वैसे अरे यार पेड़ में ठुक गया, ड्रोन ऊपर नहीं जाता है क्या? ओके ऊपर नहीं जाता है शायद, हाँ ऊपर नहीं जाता है, नीचे नीचे उड़ता है, बट हम इसे ना काफ़ी जल्दी ढूंढ लेंगे गाइस। भाई ये गेम देख रहे हो कितना खतरनाक है भाई, ड्रोन व्रोन भी दे रखा है गाइस उड़ाने के लिए, अगर तुम्हें कुछ चीज़ जैसे ढूंढनी होना तो ड्रोन की मदद से तुम ढूंढ सकते हो काफ़ी आराम से। बस यार दिक्कत ये है ना कि मेरे को पता कैसे लगेगा कि बान एक्चुअल में है कहाँ पे। ओके इधर कुछ तो मेरे को सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, ओ यार ये तो रोड ही है यार, मेरे को लगा था बान है गाइस ये, बट नहीं यार ये बान नहीं है। मैं घूम फिर के यार उसी जगह पे पहुंच जा रहा हूँ गाइस, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 50 बार ही आ चुका हूँ, मतलब 50 बार तो नहीं 3-4 बार एक जगह पे आ चुका हूँ। इस जगह पे मैं, ये वही जगह है ना, यहाँ पे तो कोई बांध नहीं है यार। भाई ये बांध यार ये लोग छुपा के क्यों रख देते हैं यार, इनको ऐसे खुले में रख देना चाहिए ना, आदमी को दूर से दिख जाए। ये लो भाई झरने के ऊपर तक जा रहे हैं गाइस हम, क्या इधर कोई बांध है? ओके मेरे को याद रखना है कि मेरे को पर्पल वाला जो एरिया है ना इसके अंडर ही पूरा फाइंड करना है। शायद इधर तो आई थिंक से नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी हाँ गाइस यार इधर तो नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बार ही चल के देख लेते हैं, क्या पता यार हमें मिल जाए यहाँ पे बान। प्लीज़ यार जल्दी मिल जाए, ओ नज़र आ रहा है नज़र आ रहा है नज़र आ रहा है। ओ गाइस मिल चुका है बान, हमें बान मिल चुका है, बान की लोकेशन है ये, ठीक है यहाँ पे है ये रहा बान गाइस। मेरे को ना मैं GPS से मार भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये XP वाला याद रखना है, ठीक है गाइस। फाइनली हमें अपना फर्स्ट बान यहाँ पे मिल चुका है, अभी मेरे को ऐसे 2-3 और ढूंढने हैं और शायद से वो जो बान था ना वो इधर की तरफ में था, ठीक है पता नहीं पावर वाले के पास में था इधर यही कहीं पे था, मैंने देखा था मैप पे, मतलब एक आइडिया लग गया है मोटा मोटा कि वो बान कहाँ पे है। इधर है क्या? नहीं इधर नहीं इधर नहीं है यार। यार एक तो ड्रोन में ना वो GPS लग जाता ना तो अपना ज़्यादा सही हो जाता भाई, यहाँ पे फास्ट ट्रैवल मिला है यार। वो उधर की तरफ नहीं 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 इधर नहीं है, मेरे को इधर की तरफ जाना है, इधर इधर कहीं पे है, हाँ ये इधर ही कहीं पे है गाइस। वो बुरा 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 बुरा, अरे मैप पे दिख तो रहा है यार, मैप पे आराम से दिख रहा है गाइस। ये रहा भाई बान, फाइनली गाइस बान हमें मिल चुका है, देखते हैं यार इसके अंदर से हमें कौन सी ज़्यादा मतलब कौन सी बढ़िया कार मिलती है। मगर वो ज़्यादा भाई ज़्यादा क्या, लाखों कार मिलने मिलेंगी यार, एक कार मिलेगी यहाँ से, देखते हैं कौन सी मिलती है। ओ भाई गेट खोलो, ओ गाइस GMC Jimmy मिल चुकी है भाई। The Oscar said he was a Chevy Blazer, but that's only because he thought it sounded better. काफी पुरानी सी कार लग रही है भाई, एकदम खटारा 25 है भाई, ये तो पूरा बंगार है। शायद ये लोग मतलब ये कार अपनी अभी गैराज में जाएगी, फिर ये रिपेयर होके अपने पास में आएगी गाइस, वो ऐसा होगा मेरे को लग रहा है। तो गाइस अपना ये वाला बांध भी हमने फाउंड कर लिया है, अभी एक ये बांध बाकी है एंड उसके बाद हमें आना है यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा दूर है यार, अभी मेरे को वो उस वाले बांध पे जाना पड़ेगा। गाइस 2 मिनट में फटाफट से वहाँ पे पहुँचता हूँ, वैसे दूर बहुत है यार, 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, बट अपने पास में जैस को है तो भाई एकदम फुल रफ्तार तुम्हारा भाई भगाते हुए पहुँचा देगा बस।
दो मिनट तो गाइस मैं फटाफट से वहीं पर पहुंच के आप लोगों से मिलता हूँ। तो ऑलराइट गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई गाड़ी को सीधा ऑफ रोड पे भगाते एंड बीटे सेकंड ओ मेरे को बान भाई शायद बान मिल चुका है गाइस। ये वाला नहीं तो वो वाला तो पक्का होगा मेरे को ऐसा। ओ बोरा सामने है भाई ये वाला गाइस बान देख रहे हो मतलब कितनी ईजी हमें मिल गया भाई। मैं तो ऐसा आ रहा था चल के और भाई सामने ही दिख गया भाई साहब। गाइस ये अब तक का मेरे को लग रहा है सबसे फास्टेस्ट बान जो है हमने फाउंड करा है। हालांकि हम दूसरा ही है बट सबसे ज़्यादा जल्दी ये मिला है। तीसरा वाला देखेंगे कितनी जल्दी मिलता है एंड इसके अंदर से क्या मिलता है देखते हैं। They found one of these things in Texas a few years back, but that is a 250? I had no idea there was another. कौन सी कार है ये? That is a 250 GTO. GTO है, okay, 250 GTO है guys. ये काफी ज़्यादा rare कार है। I think से मेरे को लग रहा है तभी वो बंदा बोल रहा था भैया jackpot लग गया। Guys, अभी बचा है अपना एक शायद से last बान बचा है जो कि यार बहुत ज़्यादा दूर है भाई बहुत एकदम देखते हैं कितने किलोमीटर मिल रहे हैं भाई। 20 किलोमीटर है यार भाई इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को पहुंचने में बट यार जाना तो पड़ेगा भाई जाना तो पड़ेगा बिकॉज अगर गाड़ियां चाहिए बढ़िया बढ़िया तो जाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस फिर से यार दो मिनट दो पटाखे में जाके वहाँ पे पहुँच के सीधा आप लोगों से मिलता हूँ एंड उसके बाद जो अपना मिशन है बांध ढूंढो उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ यार उस वाली लोकेशन पे एंड मैंने बीच में यार गाड़ी बदल दी थी क्योंकि यार यहाँ पे ना आप लोग देखोगे तो मैं एक माउंटेन को भाई यहाँ पे क्लाइम कर रहा हूँ और ये रोड भी ना ऑफ रोड वाला था तो इसलिए मेरे को गाड़ी बदलनी पड़ गई क्योंकि यार अपनी जो गैस को थी यार वो भाई हाईवे वाईवे भगाने के लिए तो बढ़िया है बट यहाँ पे यार वो ना गाड़ी चल नहीं पा रही थी यार एंड दो तीन बार तो पहाड़ी से नीचे ही गिर गई थी तो इसीलिए जो है मैं इस बार अपनी मतलब ये एक नई कार लाया हूँ। और यहाँ पे यार बान को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो गाइस ये बान वैसे इधर कहीं पे दिखा रहा है बट रोड इसके चारों तरफ नहीं है तो मेरे को एक काम कर रहा है यहाँ पे गाड़ी को रोक के ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भाई ड्रोन उड़ा देते हैं क्या बोलते हो है ना। एक काम करते हैं यहाँ पे रुक के भाई ड्रोन उड़ा देते हैं क्योंकि वो अपने लिए ना ज़्यादा ईजी होगा बिकॉज गाड़ी को तो मैं यार वह पहाड़ों से कहाँ ही कूदाता फिरूँगा तो मेरे को यहाँ पर ड्रोन उड़ाना पड़ेगा एंड एक बार ही बांध मिल जाएगा ना फिर उसके बाद हम उस पर GPS लगा के सीधा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी फटाफट से यार बांध ढूंढते हैं पता नहीं यार कहाँ पर होगा भाई ये पूरा का पूरा माउंटेन है गाइस एक एंड भाई ये माउंटेन को चढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया यार मेरे को मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया था एंड यार इधर तो बान वैसे पता नहीं यार होगा भी नहीं होगा मेरे को सब तरफ देखना पड़ेगा। बस ये अच्छी है कि यहाँ पे ना जंगल वाला एरिया नहीं है और ये लो भाई मेरे बोलते के साथ ही गाइस जो है अपना बान जो है हमें यहाँ पर मिल चुका है भाई साहब। इससे बढ़िया बात और क्या ही होगी मतलब ये बान भी हमें काफ़ी ईजिली यहाँ पर मिल गया एंड मैप पे शायद इसका GPS आ चुका है। हाँ इधर की तरफ ही था ना हाँ इधर की तरफ ही था गाइस थोड़ा सा मतलब मैंने वही बोला था ना कि इधर रास्ता तो है नहीं ज़्यादा तो ऐसे कोई रास्ते पे और ये रास्ता शायद बांध पे जाता है गाइस अपना एंड यहाँ से XP भी उठा लेते हैं भाई फ्री की मिल गई है तो जाते जाते ओ गाइस। तो ये अपना गाइस लास्ट बांध था टोटल शायद हमने पता नहीं अभी गिनेंगे कितने बांध थे शायद से मैंने सारे फाइंड कर लिए या हो सकता है एक आध रह गया वैसे मेरे को याद है ये लास्ट ही है। तो देखते हैं इसमें से हमें कौन सी खतरनाक कार मिलती है होप है भाई बढ़िया ही कार मिले कोई। फोर्ड की एस्कॉर्ट मिली है गाइस काफी ज्यादा पुरानी कार है यार ये भाई गाड़ी तो यार भाई अभी तो बंगार ही है अब ये रिपेयर विपेयर होके अपने गैराज में आएगी तब दिखेगी भाई कि कैसी है। और हाँ मैंने लाइव स्ट्रीम में जो गाड़ियां मतलब फाउंड करी थी ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी आ चुकी है। तो आई थिंक से गाइस अपने पास में बांध तो हमने सारे फाउंड कर लिए हैं विजिट द सेंटर द गिफ्ट ड्रॉप द पता नहीं ये क्या है ये पूरा पता नहीं कैसे होगा एंड अभी तो मेरे को ऐसा कोई एरिया दिख नहीं रहा है जहाँ पे अपन का बांध रह गया हो एंड यहाँ पे हमने कितने टोटल बांध फाउंड करे हैं वो भी एक बारी काउंट करते हैं। तो एक ये हो गया दो तीन चार पाँच छ सात नौ टोटल बांध है ठीक है नौ बांध है यहाँ पे गाइस एंड अभी मैं ना आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे को बांध से जो गाड़ियाँ मिली थी ना वो कौन सी थी मेरे को एक मैंने यार वहाँ पे मैं गया था ना तो मेरे को शायद यहाँ पे जाना पड़ेगा उसके बाद मैं चल के ना एक बार आपको दिखाता हूँ ठीक है। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे एंड बांध जो हमने फाइंड्स करे थे ठीक है वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं ठीक है। तो
ये रेडी टू कलेक्ट है, तो ये हमें एक श्रेवलेट की कार मिली थी, ठीक है, इसको हम जो है In कलेक्ट करते हैं भाई 1964, गैराज में। Chevrolet entered their first ओ भाई international race, साहब, the वो तो Carrera काफी Panamericana खतरनाक कार दिख with a रही है new गाइस sports car. But this one threw a conrod through the engine block and died on the first भाई, stage. जल लग रही है They've गाइस ये gotten गाड़ी much better at racing भाई, since काफी then, ज्यादा lo ओल्ड कार है, बट But now, भाई कितनी it's all ज्यादा yours. प्यारी दिख रही है यार ये। ओ गाइस काफी मस्त लग रही है। और अगली कार देखते हैं कौन सी है। एक अपन को मस्टैंग, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिलती है यार, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये गाड़ी हमने, अच्छा यहाँ पे अभी अपने पास में 4 गाड़ियाँ रेडी हैं, और बाकी अपन को यहाँ पे फरारी की एक GTO मिली थी, ठीक है, एंड जिमी ये वाली कार मिली थी, GCM, और एक ये हमें मिली थी फोर्ड की एस्कॉर्ट MK1। तो ये अभी रेडी नहीं हुई है, बाकी ये गाड़ियाँ रेडी हुई, तो इनको ना कलेक्ट कर लेते हैं 68 एंड fast bike. देखते हैं ये What वाली a गाड़ी कैसी beast. दिखती है भाई। I remember ओ the car ये chase गाड़ी was भी brilliant. ठीक-ठीक है, This मतलब thing tearing through ठीक-ठीक city लग रही है streets, गाइस ये वाली bombing कार, over ठीक है, hills. एंड बाकी अगली कार I'm देखते हैं। अरे racking my भाई brain साहब and बंद I करो यार अपना cannot remember the भाषण, name of मेरे the को film. भाषण नहीं सुनना है तुम्हारा। What do you think? ये वाली गाड़ी देखते हैं गाइस Not कौन bad सी to है। turn for a few ओ rumors in a भाई dusty old यार bar, ये गाड़ी eh? लग रही है भाई, Are those the एकदम keys? Now पॉर्श off की you तरह लग go रही है and गाइस ये turn some तो heads. भाई साहब। ये कौन सी कार थी, ये मस्टैंग नहीं, वाइपर की थी, ये डॉज की कार है। ओ भाई साहब, और वो मस्टैंग GT2+2 थी गाइस। I और don't ये know वाली how he गाड़ी came देखते to हैं कैसी है Mexico. यहाँ I पे। don't know how or why it ओ was ये तो abandoned. यार भाई All I ट्रक, know मतलब is that वो it है belongs अपना to you पिकअप now, ट्रक है गाइस, superstar. काफी Here's the सही है, keys. ठीक ठीक मेरे को लगा यहाँ पे। और बाकी ये वाली गाड़ी हमने फाउंड को कर लिया, इनको अभी गैराज में गई है, रिपेयर विपेयर होके आएंगी, तब वो हमें देखने वाली है कि कैसी ये वाली गाड़ियाँ दिखेंगी। और कुछ गाड़ियाँ अभी भी बाकी हैं, तो शायद और भी कुछ बान होंगे, मेरे को अभी तो फिलहाल कोई से भी बान दिख नहीं रहे हैं। पर्सनली मैं बताऊँ तो गाइज मेरे को ये वाली गाड़ी ना थोड़ी सी अच्छी लग रही है यार, इसको इसको मैं गेट इन कार करके ना एक बार ड्राइव करके देखते हैं यार ये वाली गाड़ी की जो टॉप स्पीड वगैरह है यहाँ पे कैसी है। ओ तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पे, एंड भाई गाड़ी तो वैसे बढ़िया लग रही है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है ये वाली कार ना ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारने के लिए तो ठीक है, टॉप स्पीड ज़्यादा कुछ खास होगी नहीं, क्योंकि गाड़ी का पिकअप जो है ना कुछ उतना खास हो नहीं रहा है यार जैसे देखा जाए तो। एक बार चल के हाँ भाई ये गाड़ी ना ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग मारने के लिए तो ठीक है, बट शायद टॉप स्पीड के मामले में मेरे को लग नहीं रही है उतनी बढ़िया होगी, बट एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कैसी है। हालांकि अभी ट्यून वगैरह भी नहीं है, स्टॉक में है एक बार। एंड गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में ये ज़रूर से बताना अगर आप लोगों को पता हो तो मैं इन गाड़ियों को भाई बेच चुका था, क्योंकि मैं ये गाड़ियाँ तो नहीं रखने वाला हूँ, बिकॉज बस मेरे को अभी तक यही गाड़ी थोड़ी सी अच्छी लगी, बाकी तो यार उसमें खास मेरे को लगी नहीं। एंड स्पीड यहाँ पे भाई ठीक ठाक है, शायद से 260 या 270 के अराउंड जाएगी, इससे ज़्यादा मैक्स यहाँ पे जो है इसकी टॉप स्पीड गाइस नहीं जाने वाली है। एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।